वाहिद से शादा को शानदार खराज अकीदत। जाय बकुआ पर शमय रोशन। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का शादा को खराज अकीदत। ये दिन याद दिलाता है कि जमहूरियत के लिए पीपल्स पार्टी क़यादत और कारकुनान ने खून के कितने दरिया पार किए। बिलावल का पैगाम। वज़ीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह की अपनी काबिना के साथ यादगार शहदा कारसाज पर हाजिरी। कहा कि बीबी शहीद की बहादुरी की मिसालें कहीं नहीं मिलती। सैयद मुराद अली शाह का साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो शहीद को खराज अकीदत। बोले, आज हम शहदा कारसाज की याद में जमा हुए हैं। इस रोज़ लाखों जियाले अपनी क़ायद को खुश आमदीद कहते हैं। दो धमाकों में पीपल्स पार्टी के 180 कारकुन शहीद हुए थे। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन का सानहा कारसाज के हवाले से पैगाम जारी। कहते हैं कि 18 अक्टूबर के शहदा गाजियों और बहादुर जयालों को सलाम पेश करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जयालों और जयालियों की कुर्बानियां नाकाबिले फरामोश हैं। जानिसार बेनज़ीर ने अपनी जान की परवाह किए बगैर अपने क़ायद को बचाने के लिए आगे बढ़े और अपनी जान के नजराने पेश किए। वज़ीर मेहनत और अफरादी क़ुव्वत सिंध सईद गनी ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस साल सानहा 18 अक्टूबर के शहदा की याद में हर साल की तरह जलसा करने की बजाय मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर इन शहदा के असाले सवाब के लिए कुरान खानी के इज्तिमात मुनक़िद करेगी। सईद गनी ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासी जदोजहद और तारीखी कुर्बानियों से भरी है। वज़ीर बल्दियात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह कहते हैं कि 18 अक्टूबर मुल्क तारीख का एक स्याह दिन है। आज का दिन हमें शहदाए कारसाज की याद दिलाता है। 15 बरस गुजरने के बावजूद भी शहदाए कारसाज की याद हमारे दिलों में ताज़ा है। शहदा ने अपनी जानों का नजराना पेश करके जमहूरियत को परवान चढ़ाने में अपना नाकाबिले फरामोश किरदार अदा किया। तहरीक इंसाफ ने NA 237 के ज़िमनी इलेक्शन में PP उम्मीदवार हकीम बलोच की कामयाबी को चैलेंज कर दिया। सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। पीपल्स पार्टी के कारकुनान ने जाली वोट डाले। धांधली से मुतालिक इलेक्शन कमीशन को शिकायत भी की। धांधली और दीगर शिकायत पर शफाफ तहकीकात का हुक्म दे दिया जाए। PTI रहनुमा अली जैदी की दरख्वास्त में सदा। इमरान खान का इलेक्शन जल्द करवाने का मुतालबा दो टोक तौर पर मुस्तरद। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ के खिलाफ बयान और इल्ज़ामात के शदीद अल्फाज में मजम्मत। हुकूमत की इत्तेहादी जमातों ने मुश्तरका जारी कर दिया। जत्थे को ताकत की बुनियाद पर फैसला मुस्तरद करने की इजाज़त ना देने का अज़्म का इजहार। PDM और जमीत उलमा इस्लाम फ़ेक के सरबराह मौलाना फजल रहमान और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान मुलाकात। ज़िमनी इलेक्शन में इमरान खान की जीत और PDM की शिकस्त के वजूहात पर तबादला ख्याल। किसी की धमकी से मरूब ना होने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म का कहना था कि किसी को जत्थे की सूरत में इस्लामाबाद पर चढ़ाई की इजाज़त नहीं दी जाएगी। सिकंदर सुल्तान राजा जानिबदार करार। तहरीक इंसाफ ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बरतरफी का रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट जुडिशल काउंसिल में दायर कर दिया। आधे से हटाने की इस्तदा। आखिरकार अमरीका मान ही गया। अमरीकी महकमा खारजा ने कहा है कि पाकिस्तान के एटमी असासों की सिक्योरिटी से मुतमईन है। पाकिस्तान के साथ दो तरफा ताल्लुकात को अहमियत देते हैं। अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान विंदन पटेल ने न्यूज़ ब्रीफिंग के दौरान मजीद कहा कि पाकिस्तान आलमी बरादरी से अपने माहदे पूरे कर रहा है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF का दो रोज़ा इजलास 20 और 21 अक्टूबर को पेरिस में होगा। इजलास में पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट से निकालने का जायजा लिया जाएगा। इससे नाम निकाले जाने के लिए पुरोमीद। शाहजेब कत्ल केस का ड्रॉप सीन। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मुजरिम शाहरुख जतोई और दीगर मुजरिमान समेत बरी कर दिया। फरीकैन का पहले ही राजीनामा हो चुका है। मुजरिमान का दहशत फैलाने का कोई इरादा नहीं है। कत्ल के वाक़े को दहशतगर्दी का रंग दिया गया। मुजरिमान के वकील लतीफ़ खोसा के दलाई।
कराची के इलाके औरंगी फकीर कॉलोनी मिल्क शॉप पर डकैती वारदात, वाकई की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। वारदात का मुकदमा मुतासरा दुकानदार की मदैयत में मोमिनाबाद थाने में दर्ज कर लिया गया। तुर्की ने पाकिस्तान से बरादराना और दोस्ताना ताल्लुक होने का सबूत एक मुनफरद अंदाज में पेश किया। पाकिस्तान आर्मी के साथ मिलकर तुर्की के वफद ने सलामी सूरत हाल के दौरान मुतासरीन की भरपूर इमदाद की। तुर्की के पायलट कैप्टन मिकाइल की बेटियों ने वालिद को पाकिस्तानी इमदाद सामान ले जाकर देते हुए देखकर अपने भी हिस्सा डाला। दुखी सराब जदगान बच्चियों के लिए अपनी गुड़ियाँ भी पेश कर दी। मुतहदा अरब इमारात के सफीर का नेवल हेडक्वार्टर इस्लामाबाद का दौरा। सरबरा पाक बहरिया एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्यासी से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दो तरफा बहरी तआवुन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। सरबरा पाक बहरिया ने मुतहदा अरब इमारात की तरफ से मुतासरीन सैलाब के इमदाद पर शुक्रिया अदा किया। पसपाई के बाद फिर चढ़ाई, अमरीकी करेंसी की कदर में मजीद इजाफा। इंटरबैंक में 86 पैसे महंगा होकर डॉलर की 219.75 रुपये पर फरोख्त जारी है। भारत के खेल के साथ खिलवाड़, इंडियन टीम का एशिया कप 2023 के लिए पाकिस्तान का दौरा ना करने का फैसला। भारतीय वजीर दाखिला अमित शाह के बेटे जय शाह ने पाकिस्तान से एशिया कप की मेज़बानी छीनते हुए इवेंट को न्यूट्रल मुकाम पर खेलने का इंदिया दे दिया। You moved on, but you're actually just obsessed with death. Because he is coming. He did my daughter. But tonight, I will kill him. Maurice! As if I die too. और अमरीकी बॉक्स ऑफिस पर हॉरर मूवी हेलोवीन एंड्स ने तहलका मचा दिया। फिल्म ने रिलीज के 3 दिन में 4 करोड़ 13 लाख डॉलर कमाकर सबको पीछे छोड़ दिया।